तो यहां से हमने क्या देखा पिछली क्लास में, टेबल, और आ गया था सबका, किसका नहीं आया? तो कुछ नहीं देखे। जैसे यदि हम बात करें डिपॉजिट और उसकी बात करें या सिंपल वे की बात करें, तो जैसे हमने अकाउंट ले लिया, नेम ले लिया, एड्रेस ले लिया, ठीक है, पर्याप्त। इसके बाद इसे सेव कर देना, ठीक। ऑटो कर दोगे तो दो फायदे हो जाएंगे। ऑटो करने से क्या लिख दिया, अकाउंट, दो फायदे हो जाएंगे। एक तो क्या हो जाएगा जी, इसको ऑटो कर दोगे तो अपने आप अकाउंट नंबर जनरेट होता रहेगा, ठीक है, पहला। दूसरा, टेबल में हम क्या रखना चाहते हैं, अकाउंट तो रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा, मान लो डेट डालना है, और तीसरी हमने पर्टिकुलर्स हो सकता है, फिर DR अमाउंट होगा या CR अमाउंट होगा, डेबिट डिपॉजिट हो सकता है और विड्रॉल भी हो सकता है, ऐसा बनाया था पिछली। अब हमने डेबिट और क्रेडिट कर दिया। डेबिट मतलब निकालना, विड्रॉल, और क्रेडिट मतलब जमा होगा यहाँ। तो यहाँ पर जैसा चाहे वैसा आप कर सकते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम, चाहो तो उसका बैलेंस भी एक्यूरेसी में डाल सकते हो। ट्रांजेक्शन लिख दिया, चलो ट्रांजेक्शन आईडी भी पकड़ ली। कुछ इस तरीके से आपका कारोबार तैयार हो गया। अब दो अलग अलग फाइल है जिनमें हमें काम करना है। तो पहला काम रिलेशन, जो पिछली बार भूल गए थे आप, सब होने के बाद भी काम नहीं कर रहा था। लो, बन जाएगा, कोई दिक्कत, क्लोज कर दिया। ठीक है, इसके बाद चाहो तो फॉर्म यूज कर सकते हो, फिनिश। दोनों फॉर्म बना लिए हमने, जी काई के लिए है, भरने के लिए, जैसे लिखा। ठीक, अब मान लो कल के दिन कोई आएगा, भैया जमा कर लो पैसे, तो करेंगे। और खाता नंबर बोलो, डेट डाल दी, पर्टिकुलर, कैश, डिपॉजिट 5,000, और कोई दूसरा आ गया, 3 नंबर अकाउंट आ गया, कुछ भी, 4,000 जमा कर दिए। फिर 2 नंबर वाला आ गया, निकाल लिया उसने 200 रुपये, ठीक। इसमें क्या दिक्कत है, रिकॉर्ड भरा हुआ है, ये टेबल में देख सकते हो, देखा भरा। अब ऐसा रिकॉर्ड स्टोर कर दिया है तो आप नहीं लगा पाएंगे किसका कितना बकाया है, क्या है,
तो उसको आप रिपोर्ट में या जहां भी दिखाना है, तुम फॉर्म में दिखा रहे हो। पहला, या इधर से भी बना सकते हो, डिजाइन भी कर सकते हो यदि तुम्हारे हिसाब से बनाना है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, इधर डिजाइन अकाउंट ये फील्ड ले आ गए, 1 2 3 ओके सब ऐसा बजट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट किया, फिर कौन सा इसको बड़ा किया और इसको भी कर सकते हो, ये आ गया कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्या दिखते थे अभी आप पढ़ाए कि रिकॉर्ड सबका फिल्टर हो गया। यदि अकाउंट नंबर 3 है तो यहाँ 3 नंबर का डेटा दिखाई देगा, दिख रहा ना, देखो 2 कर दोगे तो 2 का आ जाएगा। यहाँ चाहिए बैलेंस, क्या चाहिए बैलेंस, तो बैलेंस कौन सा, 2 प्रकार का, डेबिट और क्रेडिट, और नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें पता करना है तो यहाँ पर हमें गए, चाहो तो जेट फोल्डर में भी डाल सकते हो क्या क्या किया, देखिए अब यहाँ पर हेडर फुटर डाला तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, क्लोज कंट्रोल सी, ये हो गया। अब इनका नाम आपको बदलना है, क्या करना है, क्या नाम है अभी, क्या रखना चाह रहे इसमें, डीआर डेबिट अमाउंट, इसमें क्या रखने वाले हो, इतना काम हो गया, इसमें क्या प्रॉब्लम, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा ना, कुछ हुआ है, क्लियर। अब इसके बाद जो कला है, जो आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी क्या देना है, तो देखिए प्रॉपर्टी में क्या करना है, ये डीआर अमाउंट और सीआर अमाउंट लेना है, क्या लेना है, डीआर अमाउंट कहां पर, इसमें डीआर में डीआर का लेना है, कैसे, सम हमारे को नहीं है, तो इधर क्या करोगे, बैल क्या करोगे, एक्सप्रेशन देना है, बैल में क्या लिख दोगे ब्रैकेट के अंदर, क्या फॉर्म्स लोडेड, फॉर्म ट्रांजैक्शन क्या, दिखाई नहीं दे रहा, दे रहा, चलो गया,
इसमें हम क्या कर ले रहे हैं, इसका भी नाम कुछ नहीं दिया है, रन किया ये लोड हो गया, फिर वापस इसकी प्रॉपर्टी पे गए और यहां पर इधर गए तो क्या कर दिया, फॉर्म्स लोड एड ट्रांजेक्शन, क्या कर दोगे, क्या करोगे, दिख रहा है डी आर एम ओ, कौन सा जी, जी नहीं चाहिए ना तुम्हें, एडिट कर दे, क्या कर दोगे आप, हमें चाहिए डी आर और सी आर, याद है, इसमें अभी सो ही नहीं कर रहा, एक बार हम रन करते हैं, चलो इसको उठा के ना डाल, ठीक है रन कर, इसको छुपा देंगे अभी, चलो अब आएगा, क्या करोगे रन, इधर आए इसकी प्रॉपर्टी में गए, फॉर्म लोड यस, देखो यहाँ डी आर और सी आर लगाया था हमने, नाम बदले थे ना उसके, दिख रहा यार क्या हो गया, का नाम क्या रखा था, डी आर नहीं रखा था अपन, डी आर ही था, इसका सी आर, देखो आ गया ना, ठीक है, क्योंकि जब तक जे नहीं आएगा उसको सेव कर देना, ठीक है, फिर यहां से हमने क्या किया, देखिए फॉर क्या किया, इस
इससे फायदा क्या हुआ? जो वैल्यू इधर होगी कहां पर, इधर, वो वैल्यू यहां देखो, क्योंकि ये फॉर्म दूसरा है, ये टेबल दूसरी है, लेकिन उसको यहां लेके आए योग लगा के, फिर इसमें आ गए, तो हमने क्या किया, फिर वापिस प्रॉपर्टी लोड, लोड वाले पे देख रहे हैं, ठीक है, क्या हुआ, लोड नहीं लगा, अच्छा फंक्शन वो नहीं लगा, अब ये याद रखना है, ठीक है। अब क्या करोगे, वापस चलोगे कहां पर, किस पे क्लिक करोगे, इस पर, यही रह गया ना, क्या लगाओगे, बिल्ट इन, सम, और इधर एक्सप्रेशन जहां लिखा है ई एक्स पी, उस पर क्लिक करके एक पहले लिख देना बैल, फिर एक ब्रैकेट ओपन क्लोज, फिर एरो से बीच में आ जाना, ठीक है, ये तो प्रॉब्लम आ जाएगी गाय की, क्लोज ब्रैकेट की, किसका चाहिए हमें, किसका युग चाहिए, कहाँ है, देख आ गया ना, आ गया, देख अब हमें चाहिए बैलेंस, क्या चाहिए, सेव कर दिया, बैलेंस के लिए फिर क्या किया, क्या इसी को आप पेस्ट कर लो, कंट्रोल सी कंट्रोल, अब इनके नाम की आवश्यकता पड़ेगी, तो टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू तो दे नहीं पाएंगे, जी कौन सा है, डी आर की कर दिया, क्या कर दिया, डेबिट टोटल, सी आर टोटल, राइट, इधर कर दिए बैलेंस, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी में जाके चेंज कर दिया, क्या कर दिया, फॉर्म को ओपन किया, फिर आपको क्या करना है, सी आर टी माइनस आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत, कैसा कैसा, ये जो पहली वाली अपन फॉर्म में अकाउंट वाली फाइल सब फॉर्म नहीं चल रहा था, तो हो सकता है उसकी लिंक खत्म हो गई हो, हाँ तो जब जुड़ सकते हैं, कोई बड़ा काम, क्लियर है, अब मान लो जी कॉलम में नहीं चाहिए, क्या करोगे, प्रॉपर्टी पे गए, कहीं लिखा होगा विजिबल, क्या लिखा होगा, लो कर दो, क्या कर दोगे,
बस है तो क्यों नहीं आते। सर प्रॉपर वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं इसको करके लॉक कर देना तो लॉक भी कर सकते हो वो भी बता दो इसको अब लॉक कैसे करेंगे। टेबल की साइज उतनी रख देंगे जितनी हमें जरूरत है आप देख ही नहीं पाएंगे फ्लैट हो जाएगी। और फिर उस हिसाब से लॉक पोजीशन में डाल दिए जे भी स्क्रॉल क्लोज कर देंगे क्योंकि ये तो करना ही पड़ेगा इस तरीके से हम ठीक है रहेगा यही ये लॉक हटा देंगे क्या क्लियर। यहाँ केवल बैलेंस जब भी आएगा जिस व्यक्ति का तो वो बैलेंस दिखाएगा। अब आगे कहानी बढ़ती है जो कल नहीं बनाई गई। अब मान लो उसकी डिपॉजिट करना है पैसे अब का एक बात आएगी अकाउंट तो खुल जाता है अब उसकी यहाँ डिपॉजिट भी करना है ना पैसे तो अब यहाँ अभी कोडे नहीं बताएंगे सिंपल फॉर्म जोड़ना बताएंगे। जैसे मान लो इधर एक विजार्ड पर क्लिक करना सबसे पहले तो ये विजार्ड है इस पर बटन फॉर्म ओपन क्या करोगे कौन सा ट्रांजैक्शन डिपॉजिट या ट्रांजैक्शन लिख दो डेबिट डीआर एंड सी आर डेबिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन अब तुम समझ गए होंगे ठीक है फॉर्म पे लिखा रहेगा। यदि खाता खोलना है मान लो यहीं से आपको अब खाता किसी का खाता खोलना है तो कहाँ चले जाओगे अकाउंट ओपन ठीक है। अब मान लो इस पे जैसे क्लिक करें क्या आना चाहिए न्यू रिकॉर्ड आना चाहिए क्या होना चाहिए न्यू एंट्री होना चाहिए। तो क्या करेंगे जब भी देखो ध्यान से इस पे क्लिक किया फिर यहां पर डिजाइन मोड पे आ गया कहां पर आ गया ठीक है। यदि कोडिंग आपको नहीं आ रही है अकाउंट वाली अभी हम शायद बता ही नहीं तुम्हें तो यहां से लिया रिकॉर्ड नेविगेशन की जगह रिकॉर्ड ऑपरेशन एड न्यू रिकॉर्ड फिनिश कुछ नहीं करना है ये कोड जो आया है कौन सा केवल जे वाला क्या लिख रहे क्या याद रखना डू cmd डॉट गो टू रिकॉर्ड अकाउंट न्यू रिकॉर्ड कट ये पूरा डिलीट नीचे से नहीं ये ऊपर आओ ये भी तो खत्म हो जाएगा ओके। अब इसको हम जाएंगे फॉर्म लोड पर कहाँ पर फॉर्म लोड पेस्ट कर देंगे ठीक है। इससे फायदा क्या मिलेगा नया रिकॉर्ड इसको डिलीट कर दिया सेव कर दिया। अब ऐसे ही डीआरई सीआर इधर डिजाइन किया हमारे पास कोड है ही कौन सा वाला फॉर्म लोड इवेंट पेस्ट
इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदे देखिए, जब भी तुम इस पे क्लिक करोगे खाली मिलेगा, मिला है? जब भी इस पे क्लिक करोगे क्या मिला? आपको आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा, क्या मिलेगा? न्यू रहेगा इधर, तो ये चीज और जोड़ दिया, दो चीजें क्लियर। तो यही से हम क्या कर सकते हैं, एक व्यवस्थित फॉर्मेट बना के, एक फॉर्म जो अलग अलग बनाए हैं, फॉर्म तो सब अलग अलग बनाने पड़ेंगे लेकिन एक फाइल में कंबाइन कर सकते हैं। डिपॉजिट भी वहीं से हो जाएगा, स्टेटमेंट भी वहीं से निकल आएगा, एक दिन का डे बुक भी निकाल सकते हो, मंथली भी निकाल सकते हो, वीकली भी निकाल सकते हो, ये सारी ट्रांजेक्शन कमांड अब हम इसमें बनाते जाएंगे, ठीक है। तो आज हमारा कार्ड टास्क थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, क्योंकि इसमें चीज भी जोड़ दी गई है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल दो चीज़ें लिखी गई है, क्या सीधा लिखा गया है फॉर्म नोट में, चाहो तो लिख सकते हो, डू लिखोगे, देखो कैसे, ध्यान से देखना, जब भी डू लिखोगे CMD डॉट, तो अपने आप आता है गो टू रिकॉर्ड, क्या करना है आपको, और दो बार कामा लगाना है, क्या लगाना है, और अपने आप आ जाता है अकाउंट, लास्ट रिकॉर्ड पे जाना है, फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है, ठीक है, ये है पूरा सिस्टम। आज इतना ही।